लीजिए, आप अगर इसके डिटेल्स देखें तो सारे देवताएं देवताओं का इसमें समावेश है। जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, गणपति पुणे में काफी फेमस है और वो भी डब्ल्यू सेठ की प्रतिमा। Okay, that's what happened. And the speciality about this art is this piece is you can keep it in the exterior of the house also. Exterior of the house. Nothing will happen because of the sun on a ring. The color lasts for years and years just like this. Just the same. Absolutely. Glass mosaic, tile painting, ceramic tile painting. Murals are in like pottery, clay and glass. It's a combination of them. Okay. But mainly it's a photo. Huh. It's a photo. Okay. Photo one. गाइस मैं अभी मेन एंट्रेंस पे हूँ। मेन एंट्रेंस यहाँ पे है और आप इस तरफ कुछ आगे जाओगे तो उस तरफ पार्किंग है और पार्किंग इज फ्री एंड बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे। तो पुणे आर्ट फेस्टिवल में जब आओगे तो मेन एंट्रेंस पे आप अगर आप कैब से आते हो, ऑटो से आते हो या आपके पास ड्राइवर है तो आप मेन एंट्रेंस पे उतर के आपसे थोड़ा अंदर आके इस तरह बॉक्स ऑफिस है तो बॉक्स ऑफिस में आप टिकट निकाल के फिर अंदर टूवर्ड्स द एग्जीबिशन आप जा सकते हो। पर अगर आप बाय आपके खुद ड्राइविंग करके आते हो या कुछ बाइक से लेके आते हो तो आप सीधा जाके आपकी बाइक बैक एंट्रेंस पे जो यहाँ पे पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, काफ़ी स्पेशियस पार्किंग है, वहाँ पे आप गाड़ी लगा सकते हो। पार्किंग में आपको दिखाऊंगा। तो आप अंदर चलते हैं टूवर्ड्स द फेस्टिवल। फेस्टिवल में एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे है म्यूज़िक अरेना। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक शोज़ होंगे और बाकी फेस्टिवल चलेंगे। अभी यहाँ पे है एक लाइव कॉन्सर्ट। तो फेस्टिवल में ऐसे नहीं कि आप आ गए हो तो आपको बस आर्ट्स देखना है, तो आपको अगर एंजॉय करना है तो आपका अच्छा टाइम स्पेंड करना है तो यहाँ पे है म्यूज़िक फेस्टिवल, म्यूज़िक अरेना। फूड फेस्टिवल भी है, फूड फेस्टिवल में आपको दिखाऊँगा अभी। और आर्ट तो है ही, मतलब आर्ट तो मुझे खुद को जाके देखना है कि किस टाइप के आर्ट्स हैं। जो भी अब तक मैंने सुना है, कल मेरे दोस्त आए थे तो उन्हें जो आर्ट यहाँ पे पसंद आए उन्होंने जो बताया है, शायद अब मैं जाके देखूंगा और लेट्स से जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप भी आइए, पंडित लॉन्स माथेरे बीच पुणे में है, लाइक इन द हार्ट कोर ऑफ द सिटी। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द फूड अरेना। गाइस दिस इज द फूड अरेना। यहाँ पे लाइक अराउंड 50 से 60 काउंटर्स है फूड के, लाइक फ्रॉम पिज्ज़ा, बर्गर्स, पानी पूरी, बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे आके खाना खा सकते हो और फिर वापस जाके पूरा फेस्टिवल देख सकते हो। तो चलो आप फाइनली जाएंगे टूवर्ड्स द आर्ट सेक्शन। त्याची रांगोळी पण पाहिजे होते। The truth will break your chains, we have the key.
So guys, I'm at the stall of Mr. Prabhakar and he has made a beautiful sculpture. So he'll give us the details of the sculpture, like what it is made of and what he has used to make this beautiful Ganesh idol. ये छोटे छोटे गॉड बॉडीज है, आप अगर इसके डिटेल्स देखें तो सारे देवताएं देवताओं का इसमें समावेश है। जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, गणपति पुणे में काफी फेमस है और वो भी डब्लू सेठ की प्रतिमा सारे लोग पसंद करते हैं और उनको पूजते हैं। तो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि गणपति को पूज लिया तो सारे गॉड बॉडीज उसमें शामिल हो गए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने स्कल्पचर में बनाने की कोशिश की है। इसमें छोटे छोटे सारे गॉड बॉडीज आप देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इन। तो इसको जोड़ करके अगर बनाया जाए तो आपके जो प्यारे देवता हैं जिनको आप ज्यादा पसंद करते हैं उनको इस एक ही स्टैचू में आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका दर्शन ले सकते हैं। ये इसके पीछे का फंक्शन है। ये मटेरियल ब्रास है। ओके, तो ये को अंदर की तरफ से इसे वेल्ड किया गया है। इससे वेल्डिंग या खराब चीजें सभी अंदर चली गई है और जो इसकी खूबसूरती है जो इसका एस्थेटिक्स है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे है, देखो मैं हनुमान जी को स्पॉट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जैसे सर ने बताया यहाँ पे सब गॉड्स की जो स्कल्पचर वो मिला के ये ब्यूटीफुल आइडल बनाया है सर ने। तो अब मैं इनका लिंक, सर का लिंक जो है मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, आप डायरेक्टली इनको कॉन्टैक्ट करके भाई आप इनको लाइक करें, कमेंट करें और इनका नंबर मैं आपको डाल दूंगा, वो आपको उसमें कॉल करके। थैंक यू सर। तुमचे पेंटिंग कसं आहे? थोडी डिटेल डिटेल सांगू शकता का? हे पेंटिंग जे बनवलं आहे तुम्ही किती वेळ लागला? ओके, किती वर्ष बनवता तुम्ही पेंटिंग? खरं सांगू का, 8 वर्ष मी आता काही केलं नव्हतं। ओके, आता मागच्या महिन्यात त्यावेळेला मी आजारी होते 20 दिवस एकदम मॅम ने मस्त बनवलंय। मॅमचं नाव इकडे आहे, हेमलता शेटे। एकदम ब्युटिफुल पेंटिंग बनवलंय मॅमनी आणि मुख्य म्हणजे त्यांचं हात हाताला लागलेलं असतं आणि त्यांनी एक फक्त 6 महिन्यात हे सगळ्या पेंटिंग बनवलेल्या आहेत। 2 महिन्यात हे पेंटिंग बनवले आहेत आणि तुम्ही नक्की येऊन पेंटिंगला विजिट करा। मॅमचा नंबर मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकेन। तुम्हाला जर पेंटिंग आवडला तर तुम्ही त्यांच्याकडून डायरेक्टली परचेस करू शकता। So guys, I'm at the counter with the beautiful artist named Rajeshri Dalgar. So this is the basic, this is the counter and she will give us the detail like what this arts are made of and what the material is used. Ma'am, ye kis cheez se banaya aapne? Ye basically ye stained glass, ye jo hai isko stained glass. Okay. कलर ग्लास, इम्पोर्टेड कलर ग्लास है। ओके, और सोल्डरिंग प्रोसेस से हम अलग अलग शेप्स, ओके ये जो है ये
टाइप पेंटिंग है ओके okay. ये सिरेमिक पैनल है okay. सिरेमिक कलर से हम लोग पेंट करते हैं ओके फर्नेस में बेक करते हैं और उसका यूज ज्वेलरी बॉक्स के जैसा ज्वेलरी ओके बाकी जो है ब्यूटीफुल चीजें मेरी हां टेराकोटा की है इधर ओके जो है बाकी जो है ग्लास मोज़ेक है सर ओके सब ये विठल की जो फ्रेम है ओके वो ट्रांसपेरेंट ग्लास पे फ्रेम्स बनाई है ट्रांसपेरेंट ग्लास से मोज़ेक किया है अलग अलग मीडिया मिक्स करके हम लोग बनाते हैं कितना है ओके सो गाइस This is the most beautiful art I've seen in this place. I'm at Hetal Shah Ma'am's counter and she has made the beautiful art structures. She'll give us the details about the art form she has made and I'll share it with you. So, yeah. Hetal Ma'am, what is it like? So, this is copper enameling. Okay. So, this craft is done, this art is done on a copper. Okay. And it's basically a Meenakari work, which is okay. a very ancient art. Okay. When the Mughals came into India, they had got this art. Okay. So, it's a copper and enamel work is done on that. Okay. So, the colors are grains of glass. Grains of glass. Which is applied. To the copper metal okay goes inside the furnace and melt and fuse at 800 degree okay and slowly gradually we have to start building up a layer by layer kind of okay that's perfect and the specialty about this art is this piece is you can keep it in the exterior of your house also. Exterior of the house nothing will okay. happen because of the sun on a ring the color lasts for years and years just like this. Just the same absolutely same okay. and how much time it takes for make us this so art this structure kind of art takes around like 15 to 20 days for 15 to 20 days okay So you make customized articles also? I do make customized things. Okay, so as per the choice of the people, per you can the make? Choice of the color, as per the selection of the okay. colors, the shapes, yeah. That's nice. Yeah. So guys, we have the beautiful structures made over here by ma'am. And if you guys want to purchase this, I'll put up the description link and the contact number below. So that you can directly contact Hetal ma'am and she'll guide you with the best. Thank you. So guys, I'm at the counter of Mr. Ranjit Kulkarni sir. Sir has made a beautiful structures of art. He'll give us the details like ये किस चीज़ से बना है और कितना time लगता है ये art form बनने में. तो sir ये basically क्या इस art form को क्या बोलते हैं? These are metal sculptures. Okay. मैंने सब ये stainless steel virgin material से बना है. Okay. कुछ old parts use किए some of the I mean 2-3% but 98% मैंने मतलब virgin material use किया. Virgin material. Okay. पहले मैंने अगर आप देखें तो पहले मैंने पूरा डिफरेंट सब पार्ट्स बनाया ओके कन्वेंशनल मशीन पे ओके डेथ मशीन मिलिंग मशीन ओके आफ्टर दैट एंड प्रोसेस में वेल्डिंग करके उसको कनेक्ट किया और बाद में फिनिशिंग कर दिया फिनिशिंग किया या इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट है कुछ सब पार्ट्स हैं ओके सो इस टाइप में अगर समझो अगर किसी को कोई कस्टमाइज गिफ्ट आर्टिकल या कुछ ये बनाना हो तो आप बना सकते हो तो इसको बनाने में कितना टाइम लगता है टाइम एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कितना है कौन सा आइटम ओके डिपेंड सो बेसिकली गाइज यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं सर ने एंड स्टेनलेस स्टील होने की वजह से ये कभी ख़राब भी नहीं होगा और यू कैन यूज़ इट एज अ शोपीस एंड यस एंड यू कैन गिव इवन गिफ्ट इट टू पीपल राइट बट एक्चुअली ये शोपीस के लिए ओके सो गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस आई विल पुट सर्स नंबर इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट सर एंड ऑर्डर योर गिफ्ट्स कुछ नहीं बस नॉन स्पीकिंग एनीथिंग बस स्माइल वो जो पीस आता है ना Thank you.
At the Avadhoot Arts Gallery, and Nitin sir will give us the details of the art structure which he has presented in this festival. So sir, what is this made of? कैसे बनाया आपने सर ये? एक प्लाई पे बनाया है, पेपर मैशिंग. पेपर को दो दिन गीला करके रखना पड़ता है, उसके बाद दो दिन पानी से निकालने के बाद उसका मिक्सर में बारीक करना पड़ता है. और उसके बाद जैसा आटा, आप कोई भी पराठा बनाता हो तो आटे की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही इसको म्यूरल जो पाउडर होता है उस पाउडर में मिक्स करना पड़ता है. और उसके बाद इसकी प्रोसीजर है, जैसे ये 3D इफेक्ट लाए हैं, इस 3D इफेक्ट के लिए कुछ नीचे रखना पड़ता है, उसके बाद ये टाइट होने के बाद उसको निकालना पड़ता है. ओके, सो इसको रिसाई करना पड़ता है, इसलिए वो प्लेन होता है जितने. ओके, उसके बाद इसको एक कपड़ा जो बोलते हैं उसका अदर पार्ट, उस टाइप में इसको लगाना पड़ता है और फेमिकॉल का वॉश देना पड़ता है. ओके, उसको सुखाने के बाद उसको फिर कलरिंग करना पड़ता है. ओके, सो बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 20 दिन तो लगते हैं. 20 दिन? हाँ. ओके, दैट्स नाइस. सो बेसिकली दिस आर्ट फॉर्म इज समथिंग न्यू, एंड अब अगर आपको ये ऑर्डर करना हो तो मैं इसका लिंक और डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ. I'm with Rajesh sir, Rajesh Anand sir. So he will give us the details like the paintings which I have made, like कैसे बनाई है, क्या कितना time लगता है ये painting बनाने में. तो मुझे जो है ये गणेश जी की painting, और actually सभी painting इतनी beautiful बनाई है सर ने. तो सर ये painting बनाने में basically कितना time लगता है? Hi, I'm Rajesh Anand. मैं इस पेंटिंग को जिस तरह से मैं अपने स्पीड की बात करूं तो मुझे इसको दो दिन लगे हैं नॉर्मली. और दो दिन मैं इसको फुल टाइम दूंगा. इस तरह से इसका स्टेप बाय स्टेप आगे का काम होता है. और इसके डिटेलिंग के बारे में मैं बताऊं तो आप इसको क्लोज दिखाएंगे. तो ये सब चीज़ें जो रोलर से इफेक्ट आ जाता है यहाँ पे, बैकग्राउंड में मैंने रोलर यूज किया है. और इसका कलर एक्रेलिक कलर है. यहाँ पे मैंने टेक्सचर यूज किया है. टेक्सचर के लिए टेक्सचर वाइट यूज किया जाता है. बाकी जगहों पे ब्रश का वर्क है. जो नॉर्मल यहाँ पे हमने टेक्सचरिंग से कुछ 3D इफेक्ट लाने की कोशिश किया है. तो हर पेंटिंग मतलब बेसिकली एक दो दिन तो लगते ही आपको बनाने में? बिल्कुल डिपेंड करता है कि किस तरह का डिटेलिंग हम दे रहे हैं. जैसे इस पेंटिंग को अगर देखेंगे तो ये इस स्टॉल के अंदर में सबसे स्पेशल पेंटिंग लोगों के व्यू से है. कोई भी आ रहा है ना यहाँ पे आकर के रुक रहा है. सर आपके सभी पेंटिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है. मैं so इस तरफ से आया, मुझे ये दो पेंटिंग्स दिखी और जैसे मैं इस तरफ मुड़ा मतलब जो भी पेंटिंग आपने बनाई है सब सबसे बेस्ट है सर. सर अगर आपको कोई ऑर्डर करता है तो आप कितने दिन में बना के देते हो पेंटिंग? सर की वो पेंटिंग किस टाइप का है? आप ऑर्डर्स लेते हो? बिल्कुल. तो सर के आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो मैं सर का नंबर लेके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप डायरेक्टली सर को कॉन्टैक्ट करके आप इनसे पेंटिंग्स बनवा सकते हो. बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप रियल में देखोगे तो आपको और ज़्यादा पसंद आएंगे. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक्स सर. सो गाइस दिस ब्यूटीफुल ग्लासेस आर फॉर सेल. एंड सर व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ दिस ग्लासेस सर? कितने तक आएंगे ये? इट रेंजेस फ्रॉम 500 रुपीज ओके टू अराउंड 1200 रुपीज, 1300 रुपीज, डिपेंड्स ऑन द वर्क. ओके, यू कैन सी दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल यू नो वन साइड अवेलेबल फॉर 500 रुपीज. ओके, वेरी रीजनेबल प्राइसेस. यस, एवरी
bottle is differently architectured, differently colored. You see the finish, you see the art. Yes, the finishing is really beautiful, guys. If you even if you go at a mall or something, you won't find this type of art structure at this cost, because this art structure which I am seeing is really beautiful. And there are even the bottles which have the lightings in it. So can you show us the bottles as well? This is a bottle, 1100 rupees. It has got, it comes with light. Okay. This light, you can replace the sales. Okay. Okay. Sales are very, very cheap. Yes, sir. 100 per sale. Okay. Three sales are there. Okay. You see the elegance of the bottle. Yeah, that's really beautiful. And even the paintings here are really beautiful. The glasses, the bottles. So guys, I'll... Okay. You can see the elegance of this bottle. Yes. So you have your studio in Pune itself? No, my wife is an artist. Okay. So she basically has conceptualized all this. You'll find that this art is very rare. Yes, actually. And very difficult to make. Very difficult to make. And it must... And ma'am, how much time it takes to make one thing? Ek bana? I cannot tell, because see, every bottle is different. The idea comes when I start the work. Okay. So then basically, whatever, you have time is not a constraint. Night is not a constraint. Whatever time is needed, see, I have to give aap, it. Photos leke bhi aap banate ho, ma'am? Yeah, this is a decoupage art plus M-seal work. M-seal work. Yeah. So guys, basically, if you want to give some gift can, on an anniversary or some personal, or someone special, you can contact ma'am and directly make your customized gift. Yeah. This look very beautiful. Yeah. So I'll put up ma'am's number and details of your studio on the contact list, and yeah, so that you can directly contact ma'am. Yeah. Right. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, sir.